नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का 9 सीटों का ये उपचुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश के भीतर कोई ऐसा उपचुनाव नहीं हुआ दोस्तों जिसके भीतर इतना उत्साह हो, जिसके पीछे जीत की इतनी ज़्यादा भूख हो। एक तरफ आप ये देखिए अखिलेश यादव की रैली है जो कि मीरापुर में हुई है, दूसरी तरफ रैली कम रोड शो है, और दूसरी तरफ डिंपल यादव हैं जो कि सीसामऊ में हैं और सीसामऊ में रोड शो कर रही हैं। आप दोनों की भीड़ का अंदाज़ा लगाइए और देखिए। लेकिन आज का वीडियो इस पर नहीं है दोस्तों कि दोनों की रैलियों में या फिर रोड शो में कितनी भीड़ आई। आज का वीडियो इस पर है कि इस भीड़ को देखकर भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा आतंकित है। सीसामऊ, वो सीट जहां से इरफान सोलंकी विधायक को जेल में डाल दिया गया, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर किस तरीके से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, पुलिस को भेज दिया गया है। अखिलेश यादव ने ये वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में आप ये देखिए कि पुलिस की गाड़ियां सीसामऊ के भीतर किस तरीके से गश्त लगा रही हैं और पुलिस किस तरीके से सीसामऊ को घेर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सीसामऊ नहीं है, ये कानपुर का इलाका नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मणिपुर का इलाका है और इसको जो है सुरक्षित करने की जद्दोजहद की जा रही है। अखिलेश यादव ने क्या इस पर कहा है, मैं आपको एक बार की बता देता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि ये मणिपुर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से आई तस्वीरें हैं। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से जनता में अब इतना विश्वास नहीं रह गया है कि वो बेखौफ वोट डालने बाहर निकल सके। इसलिए इस तथाकथित विश्वास को उपजाने के लिए ये कवायद की जा रही है। जनता सब जानती है कि ये क्यों किया जा रहा है। लोकतंत्र दल बदल से नहीं, जनबल से चलता है और हमेशा चलता रहेगा। किसी से ना डरें, जमकर वोट करें। अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी दोस्तों इस बार इस चीज़ से आशंकित है कि भारतीय जनता पार्टी उस उपचुनाव में सत्ता बल का प्रयोग कर सकती है, और ये कटहरी में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मेरी कुछ अधिकारियों से बात भी हुई इन चीज़ों के बाद, क्योंकि कटहरी में क्या हो रहा है वो एक बार की आपको बता देते हैं। लालजी वर्मा की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, लालजी वर्मा वहाँ से सांसद हो गए हैं। कटहरी की जो सीट है ये योगी आदित्यनाथ ने अपने पाले में ली थी, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम को सीटें बांट दी थी कि भाई फूलपुर केशव प्रसाद मौर्य तुम अपने अंडर लो, इसको जिताओ, जिता के दिखाओ, फलाने तुम अपने अंडर लो। योगी आदित्यनाथ ने दो सीटें ली थी, एक ली थी ये अयोध्या वाली मिल्कीपुर और दूसरी ये ली थी कटहरी वाली सीट। अब मसला ये है कि क्योंकि ये सीट कटहरी की योगी आदित्यनाथ के अंडर है, और अब अगर योगी आदित्यनाथ ना भी चाहें तो चापलूस प्रशासन जो है वो उसकी ये स्वतः नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि ये सीट जीतकर योगी आदित्यनाथ को बतौर गिफ्ट दी जाए। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। मसला ये है, भीतर की रिपोर्ट ये है, कई अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनमें से एक ने नाम न बताने की शर्त पर ये बात कही कि मामला कटहरी में पूरा हो चुका है, अब तो सिर्फ भाई साहब औपचारिकताएं ही बाकी रह गई हैं। अब आप समझ सकते हैं क्या औपचारिकताएं हैं, सर्टिफिकेट बन चुका है, क्या मामला चल रहा है कटहरी में। क्योंकि होता क्या है कि हर जगह जहाँ जहाँ भी वोटिंग होती है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ वोट दिलाने की जिम्मेदारी प्रधानों के ऊपर या गांव का जो सरपंच है या सर्वमान्य व्यक्ति जो है या जिसमें लोग आस्था रखते हैं, जिसको अपना व्यक्ति मानते हैं, अपना बड़ा बूढ़ा मानते हैं, परिवार में है तो बड़े बूढ़े की सुनते हैं, गाँव में है तो प्रधान की सुनते हैं, गाँव से ऊपर दो चार गाँव मिला लेंगे तो ब्लॉक की सुनते हैं कि ब्लॉक प्रमुख क्या कह रहा है, भाई अपील कर रहा है। तो कटहरी में कई सारे कोटेदार और प्रधानों ने ये अपने वोटरों से अपील की कि भाई इस बार लालजी वर्मा की पत्नी को भाई जितवाइए। तो प्रधानों को और ये जो कोटेदार हैं जो राशन वगैरह बांटते हैं, इन सब को कटहरी में नोटिसें दी जा रही हैं। उनमें से एक नोटिस अखिलेश यादव ने डाली है, वो नोटिस लाल नोटिस हम आपको बताते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें देखिए क्या है कि राम अरज यादव हैं, ठेकेदार हैं एनटीपीसी के,
इनको ये नोटिस दिया गया है। इनके पिता का नाम गंगाराम है, पता जो है सलाहपुर है, और इनको कहा गया है कि विधानसभा 277 कटहरी उप निर्वाचन 2024 के निष्पक्ष निर्विघ्न भयमुक्त वातावरण में सकुशल कराने के उद्देश्य से क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि आपके द्वारा अपने पसंद के प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदाताओं में भय उत्पन्न कराया जा रहा है, जिससे सामान्य मतदाता अपने मत का निष्पक्ष एवं बिना किसी भय दबाव के प्रयोग करने में अग्रसर नहीं हो पा रहा है। आम मतदाताओं द्वारा अपने मत को प्रयोग ना कर पाने के संबंध में चिंता व्यक्त की जा रही है तथा मतदान प्रक्रिया के मध्य आपके द्वारा किसी भी संगीन एवं संज्ञेय अपराध किया जा सकता है, अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 168 के प्रदत्त अधिकार संज्ञेय अपराध के निवारण हेतु प्रत्येक पुलिस अधिकारी आबद्ध है के क्रम में आपको सचेत किया जाता है कि आप मतदान प्रक्रिया के मध्य कोई भी संज्ञेय अपराध कारित ना करें, अन्यथा आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस सामने वाले का मनोबल तोड़ने के लिए, डराने के लिए कि आप देखिए ऐसे आदमी हैं, हमारी नज़र में हैं, आप जो कर रहे हैं हमको मालूम है, ये पकड़िए नोटिस और कुछ भी हुआ तो आपको हम उठा ले जाएंगे। तो ये इस तरीके की जो नोटिसें हैं कटहरी में ये दी जा रही हैं। और इसी के बाद मैंने क्यों कहा कि ये चुनाव इतिहास का ऐसा पहला उपचुनाव है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा उत्सुकता और इतनी ज़्यादा चुनाव में को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश हुई है और इंटरेस्टिंग बनाया भी गया है, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से। समाजवादी पार्टी इस पूरे चुनाव में बेहद उत्साहित नज़र आई है और इसीलिए वो तस्वीरें जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाई अखिलेश यादव का रोड शो और डिम्पल यादव का रोड शो और उसमें आई भीड़, वो बताती है कि प्रचार के अंतिम दिन शाम तक किस तरीके की मेहनत। अखिलेश यादव तो रात रात अखिलेश यादव ने रैलियाँ की, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया तो फ्लाइट पकड़ी, फिर उतरे एयरपोर्ट पर, फिर गाड़ी पकड़ी, फिर दूसरी रैली में गए, ये किया। लेकिन अब मसला ये है कि ये पहला चुनाव है, फिर ऐसा कहता हूं मैं, ये पहला उत्तर प्रदेश का ऐसा उपचुनाव है जिसमें पहले से ही विपक्ष के नेता ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको वोट ना डालने दिया जाए, अगर आपको बूथ से भगा दिया जाए, अगर आपकी पर्ची फाड़ दी जाए, छीन ली जाए, तो आप दोबारा वोट देने जाइए, आप तिबारा वोट देने जाइए, मतलब प्रयास करिए कि आप वोट देकर ही आइए, बिना वोट डाले वापस मत आइए। अखिलेश यादव खुले मंच से अपने वोटरों से ये अपील कर रहे हैं और ये बताता है, ये दिखाता है कि चुनाव आयोग में, चुनाव करने वाली संस्थाओं में से किस तरीके से विपक्ष का विश्वास उठ चुका है, जो अपनी रैलियों से ये बता रहा है कि बेईमानी होगी, होशियार रहना, और इस बेईमानी से इस तरीके से अपन लोग निपटेंगे, अपन लोग ऐसे करेंगे, लेकिन वोट डालकर जरूर आएंगे। अखिलेश यादव को आप सुनिए, अखिलेश यादव वोटिंग से पहले उनको ये अपील करनी पड़ रही है कि बेईमानी होगी, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें वोट मांगते मांगते नेता ये भी कह रहा है कि बेईमानी होगी, तुमको भगाया जाएगा, दुत्कारा जाएगा, पर्ची छीनी जाएगी, फाड़ी जाएगी, लेकिन ऐसा ना करना कि खाली आ जाना घर, वोट डाल के आना, प्रयास करना। सुनिए अखिलेश यादव को। ये डर से राजनीति करना चाहते हैं, बताओ अपने वोट से डर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर एक बार रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? अगर एक बार रोके तो फिर आना वोट डालने, दूसरी बार रोके तो फिर आना, तीसरी बार रोके तो फिर आना, और जब तक आपको प्रमाण जीत का नहीं मिल जाए तब तक आप वोट डालना और रखवाली करना अपने वोट की। अगर हार जाओगे तो बताओ बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि डर गए हम लोग, समाजवादी लोग डर गए? इसके बाद अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुकते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव इससे आगे अपने वोटरों से और अपने चाहने वालों से, अनुयायियों से अपील करते हैं कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से वीडियो बना लेना अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है। देखिए कितना विपक्ष
कितना आश्वस्त है इस चीज़ को लेकर। हालांकि आश्वस्त तो लोकतांत्रिक परंपराओं में इस पर होना चाहिए कि भाई निष्पक्ष चुनाव होंगे, अगर ऐसा कोई करेगा तो गलत बात होगी, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त है कि धांधली होगी, वोट नहीं डालने दिए जाएंगे। और अखिलेश यादव इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से आप सब लोग वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए अगर धांधली होती है, और उसको भेजिए, क्योंकि वीडियो एक सबूत है। सुनिए अखिलेश यादव को। और जब ये आपको डराने आए, आपका वोटर आईडी छीनने आए, और राशन कार्ड वाले, राशन वाले तो वही है जो लखनऊ दिल्ली से राशन ही नहीं आ रहा, राशन क्या मिलेगा तुम्हें। ये जो आईडी कार्ड छीन रहे हैं, वोटर लिस्ट छीन रहे हैं, सब पर मोबाइल है, सबके मोबाइल पर कैमरा है। अरे मेरे समाजवादी साथियों, कैमरे से फोटो क्यों नहीं खींच ले रहे हो? खींचिए फोटो, वीडियो बनाइए और दीजिए हमें, क्योंकि वीडियो जब भी चलेगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो वो हमारे पास सबूत होगा, जिसकी वजह से इनको सजा दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, मीरापुर हो, मंझवा हो, कटेहरी हो, करहल हो, खैर हो, फूलपुर हो, सीसामऊ हो, कुंदरकी हो, इन सब सीटों पर, इन 9 सीटों पर मतदान होने हैं, मतदान होंगे, उपचुनाव हो रहे हैं। अब कटहरी की जो सीट है, मैंने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ के अंडर है। अब योगी आदित्यनाथ या भाजपा नहीं भी चाहे तो प्रशासन इतना चापलूस है आज की तारीख में कि वो ये सीट जीत कर बतौर गिफ्ट पेश करने की कोशिश करेगा, ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। और कल सवेरे का होने वाला चुनाव, वोटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, काउंटिंग से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उत्तर प्रदेश में वोटिंग होने वाली है, क्योंकि माहौल कुछ कुछ पंचायत चुनाव जैसा बनता हुआ उत्तर प्रदेश के भीतर दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव में क्या क्या हुआ था, साड़ियाँ खींची गई थी, फाड़ी गई थी, मतपत्र क्या क्या नहीं हुआ था, तो आपको मालूम ही है। तो इसलिए वोट करिए, घर से निकल कर वोट करिए, आप समझे, समाज के विकास के लिए वोट करिए, अपने विकास के लिए वोट करिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट करिए, नौकरियों के लिए वोट करिए, सुरक्षा के लिए वोट करिए, नारी सम्मान के लिए वोट करिए, लेकिन वोट ज़रूर करिए। अगर आपके पास आपका पहचान पत्र है, वोटर आईडी में आपका नाम है, वोटर आईडी है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो घर से निकलिए, वोट करिए, कि वोट आपका अधिकार है। इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।